हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? हम आपके लिए इजी इजी टॉपिक्स लेके आ रहे हैं ताकि आप उनको घर में बैठ के भी लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप घर में भी अपना सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको स्पेलिंग्स बताती हूँ या फिर कुछ भी गुड हैबिट्स बताती हूँ, वो सब आपको अपनी लाइफ में भी लेके आनी है, ठीक है? सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. और जो आपको वर्कशीट सेंड की जाती है ना, ये आप साथ साथ कीजिए, ठीक है? इससे आपका वर्कलोड नहीं बढ़ेगा और इस सिंगल पेज तो आप इजीली कर ही सकते हैं. एंड आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स ऑल्सो कि एक एक वर्कशीट वो बच्चों को साथ साथ कराएं, ठीक है? एक एक वर्कशीट बच्चों को साथ साथ कराएं और प्रॉब्लम ना हो, जिससे उनको एटलीस्ट वो दिन में 3 या 4 लेटर्स या फिर वर्ड्स जो भी हैं कुछ न्यू चीज़ें लर्न करेंगे, ठीक है ना? जो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए ही फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फूड फॉर गुड टीथ. अब ये मैं वर्कशीट आपको दूंगी, ठीक है ना? अब टीथ है जो हमारे टीथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है ना? सभी चीज़ें अच्छी हैं. टेक द फूड दैट आर गुड फॉर योर टीथ. अगर आपको लगता है टीथ के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है ना, आपको ये चेक करना है. आज सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना? अब कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक तो ड्रिंक मतलब कि टीथ के लिए अच्छी नहीं होती ना, तो हार्मफुल होती है, ठीक है? लेकिन अगर हम किसी और चीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम जैसे कि इनकी बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो ये तो अच्छे होंगे ना हमारे लिए, ठीक है ना? तो हमको क्या करना है ना, उन पे टिक कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे जो अच्छा हो हमारे टीथ के लिए, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है टीथ के लिए. स्पेशली टीथ हमारे, जैसे आपने देखो कैविटीज़ लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं टीथ में, तो हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे ही दिया है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो टीथ के लिए, हमारे लिए टीथ की मतलब कि टीथ के लिए ये कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उन पे आपने टिक कर देना है. बाकी हम टास्क में इसकी डिस्कशन तो करेंगे ही, और एक हम न्यू टॉपिक करेंगे आज साथ साथ ही. जो टॉपिक है गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? तो गुड ईटिंग ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, मतलब अच्छा जो अच्छी आदतें किस वक्त के लिए, खाने की अच्छी आदतें, ठीक है ना? गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जो आपको क्या करना है, टिक द हैबिट्स दैट यू फॉलो. आपको उन हैबिट को टिक करना है जो आप फॉलो करते हैं, ठीक है? और लर्न भी करना है कि विच हैबिट इज़ अ हेल्दी हैबिट और गुड ईटिंग हैबिट, ठीक है? आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. तो अगर आप अपने हैंड्स, अपने हाथ, यहाँ पे देख रहे ना, हैंड वॉश कर रही है गर्ल, अगर आप हैंड वॉश करते हैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, देन इट्स वेरी गुड हैबिट. ओके स्टूडेंट्स, इट्स गुड ईटिंग हैबिट. ईटिंग हैबिट ये खाने के वक्त की टाइम, ये खाते वक्त हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो अच्छी आदत हो. आपके पेरेंट्स हमेशा बोलते होंगे आपको डैट यू शुड वॉश योर हैंड्स, ठीक है? बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग बहुत टाइम आपको बताते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए आपको. सो आप जो लोग करते हैं, लेकिन टिक इट, जैसे मैं तो करती हूँ, सो आई विल टिक इट. ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर आप नहीं करते हैं, सपोज आप नहीं करते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, कि आपको क्या करना है, ये हैबिट आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है. आज से ही आप खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे और फिर खाना खाने के बाद हैंड वॉश करेंगे, ठीक है? आई ड्रिंक क्लीन वाटर. अब क्लीन वाटर कौन पीता है? अगर आप क्लीन वाटर पीते हैं, साफ़ पानी पीते हैं ना, गंदा पानी तो नहीं पीते हैं, ठीक है ना? अगर आप गंदा पानी नहीं पीते हैं, क्लीन मतलब साफ़ पानी पीते हैं, देन यू हैव टू टेक इट. मैं तो पीती हूँ, सो आई विल टेक इट. आई डू नॉट ईट फूड डेट इज़ कैप्ट ओपन. मैं वो फूड नहीं खाता हूँ या खाती हूँ जो ओपन खुले में रखा हुआ होता है, ठीक है ना? जिसमें देखो अभी मॉस्किटोज आ रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, और फिर ये ख़राब हो जाता है, इट्स नॉट सेफ ना, कि हमारे लिए अच्छा नहीं है ना ये खाना, ठीक है ना? और हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, हमें डिजीजेज लग सकते हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, हम इसकी बात कर रहे थे, तो आपको मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, कि जो ये है अगर आप आई डू नॉट ईट फूड दैट इज़ कैप्ट ओपन, मैं वो फूड नहीं
खाता हूँ ये खाती हूँ जो खुले में रखा हुआ होता है, ये सेफ नहीं होता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है, आपको डिजीजेज हो सकते हैं, तो ये आपको खाना भी नहीं चाहिए अगर आप खा लेते हैं तो। व्हाट यू शुड डू, यू शुड ईट द सेफ फूड, लाइक जो आपके लिए होता है ना कवर्ड फूड होता है, यू शुड ईट द कवर्ड फूड, ये नहीं कि ऐसे रखा हुआ है और हमने खा लिया कुछ भी, नो ठीक है ना, यू शुड नॉट डू डैट। अगर आप नहीं खाते हैं देन यू कैन टेक इट। और नेक्स्ट इज आई डू नॉट वेस्ट, ये तो बहुत बच्चे करते हैं मैंने देखा है कि मतलब मैं फूड वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अब ये फूड इन्होंने वेस्ट कर दिया है, अगर ये उठ के जा रहे हैं, आपने बहुत सारा खाना ले लिया और फिर आप उसको खाते नहीं हैं, तो ये तो वेस्टेज हो गई ना फूड की, ये तो गुड ईटिंग हैबिट थोड़ा हुई। बट यू शुड डू स्टूडेंट्स, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट फूड। अगर आप फूड वेस्ट नहीं करते हैं तो आप टिक कर दीजिएगा, अगर आप करते हैं तो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं तो नहीं करती हूँ वेस्ट, ठीक है ना। आई वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम। अब क्या होता है कि जो लाइक फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स बोलते हैं उसको वॉश करके धो के खाना चाहिए, जैसे अपने हैंड्स वॉश करते हैं, ताकि देखिए जर्म्स हो सकते हैं उसमें, कुछ भी कीटाणु हो सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे ना हों। बट वी शुड डू, हमें वी शुड वॉश इट, ठीक है ना, बिफोर ईटिंग दैम, ठीक है। तो हमें उनको वॉश करना चाहिए स्टूडेंट्स, धोना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत 2 मिनट लगते हैं, जल्दी से करके आना चाहिए। जैसे एप्पल खा रहे हैं आप, कुछ भी खा रहे हैं फ्रूट में, तो यू शुड वॉश इट, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे आगे से, अगर आप नहीं करते हैं देन यू विल बी वॉशिंग इट, अगर आप करते हैं देन यू कैन टेक इट। नेक्स्ट इज आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड, मतलब मैं नहीं, मतलब की प्रेफर करता हूँ कि ना खाऊँ, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप जंक फूड के शौकीन होंगे, मुझे पता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, तो जो स्टूडेंट्स इनको नहीं खाते हैं, ठीक है ना, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो इस पर टिक कर देंगे, और जो खाते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या बताना है कि आप इससे बचते हैं, लाइक आप ये नहीं खाते हैं जंक फूड, ठीक है। तो जैसे मैं बहुत कम खाती हूँ, लाइक नहीं खाने के बराबर है मेरा, तो मैं भी इस पर टिक कर दूँगी, ओके स्टूडेंट्स। सो आप व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको ये हैबिट्स अपनी लाइफ में लेके भी आनी है। व्हाट यू शुड डू, अपने हैंड्स आपको वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में। सेकेंड, यू शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए आपको। थर्ड इज़ आपको फूड जो खुले में रखा हुआ हो वो नहीं खाना चाहिए। फोर्थ इज़ यू शुड नॉट वेस्ट फूड, आपको फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ इज़ आई वॉश, यू शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम, आपको क्या करना चाहिए, फ्रूट्स लाइक धोने चाहिए खाना खाने से पहले, लाइक खाने से उनको पहले फ्रूट्स आपको वॉश करने चाहिए। और जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इन दिनों में, तो बिल्कुल नहीं खाना है आपको, बहुत सेफ्टी रखनी है आपने, ठीक है ना। सब बच्चे नहीं खाते हैं, फिर आप ये लोग हैं तो आपका तो परेशानी हो जाएगी ना। और आपको साथ में क्या करना है, ये वर्कशीट करनी है, आप अपना होमवर्क साथ साथ कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और अच्छे बच्चे बन जाइए और गुड ईटिंग हैबिट्स अपनी लाइफ में लेके आइए। सो वी विल बी मीटिंग टुमारो, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच पेरेंट्स।